क्या हालत अब तो आने वाले हैं मतलब एग्जाम की डेट बस बिल्कुल आई गई, गई है पास में सो गुड मॉर्निंग ज्योति ओके फाइन सो टुडे बी डिस्कसिंग टॉप हंड्रेड एमसीक्यूज़ फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी 2022 ठीक है तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल लेट्स गेट स्टार्टेड विद टूडेज सेशन जोश हाई रखना है आज के सेशन में ठीक है क्विकली विल बी गोइंग थ्रू टॉप हंड्रेड एमसी मंथ ऑफ़ जनवरी 2022 हाय अंजलि हाय ज्योति हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग संतोष इज ह्योर सो गुड सो आई थिंक वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड धीरे धीरे और आ जाएंगे बढ़िया चलो सेशन स्टार्ट करते हैं क्विकली uh, आज के थोड़े से रूल सेट करेंगे ठीक है um, बहुत हो गया हमारा बेसिकली हर बारी सौ क्वेश्चन करके चले जाते हैं इस बारी थोड़ा सा खुद के साथ हमने मस्ती करनी है हंड्रेड में से ट्वेंटी 25, 25, 25, 25 आपने खुद को एक लिमिट लेके चलिए ट्वेंटी फाइव में से मैक्सिम फाइव क्वेश्चन आप right? तो स्किप करेंगे बाकी सभी में आपके सभी के आंसर्स मुझे चार्ट बॉक्स में दिखने चाहिए ठीक है जिस जिसकी सबसे ज्यादा अच्छे नंबर रहेंगे तो एंड में आके उनको शार्ट आउट दूंगा ठीक है बीच सेशन में हमने क्विकली क्वेश्चन से गो थ्रू करना है आई विल बी टेकिंग नेम्स जिन जिन के मुझे लगेगा कि सबसे ज्यादा सही आंसर्स रहे हैं सो ऑल द बेस्ट राइट गुड मॉर्निंग रोहन गुड मॉर्निंग गुडिया गुडिया नीले वेरी गुड चलो सेशन को स्टार्ट करें आज के तो टाइम फॉर टेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर वन रिसेंटली फाउंडेशन ऑफ दिटावरी एरिया इंटेग्रेशन फेसिलिटी एट नेवल फिजिकल एंड ओशियोग्रिक लेबोरेटरी

एनर्जी अनुग्रह सिंह आई एक्सपेक्ट ऑन द लाइंस ऑफ नाबार्ड ग्रेड बी आई एंड से भी तो हमारे जो भी टॉप हंड्रेड जी ए जनरल अवेयरनेस के फेज वन के स्पेसिफिकली जिन लाइंस पे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन विल बी ऑन दो लाइन्स ओनली राइट सो ओके बी एंड सी के बीच में कुछ आंसर्स आए हैं राइट द राइट आंसर ओवर हेयर इज इट इज का थ्रिका दैट इज ऑप्शन डी तो डी इज योर राइट आंसर राइट अब इसको नोट करके याद रखना है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टू ध्वनि एक्स्टिक ट्रेनर सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय एनपीओएल ऑफ ऑफ फॉर द फॉलोइंग डिफेंस एजेंसी तो ये एयरफोर्स के लिए बना है आर्मी के लिए बना है कोस्ट गार्ड के लिए बना है नेवी के लिए बनाया आई टीबीपी के लिए बनाए कम ऑन तो अभी हमने एनपीओल के बारे में पढ़ा ठीक है उसकी फैसिलिटी हमने देखी कहां पे है? अब ये किसके लिए बनाए एयरफोर्स आर्मी कोस्ट गार्ड नेवी या आईटीबीपी? गाइस, प्लीज मार्क द क्वेश्चन नंबर एज वेल दैट विल रियली रियली मेक इट इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड टू विच क्वेश्चन आर यू आंसरिंग ठीक है तो क्वेश्चन नंबर भी लिख दो साथ में कि कौन से क्वेश्चन के लिए आंसर दे रहे हो आप रोहन सेइंग टू का ए द राइट आंसर इज नेवी ठीक है तो नेवी के लिए बनिए ये नेक्स्ट देखें ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर थ्री रिसेंटली न्यूज एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशनियर इंस्टॉलेटीज एंड एग्रीमेंट विदोइंग नेशन तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है किन दो कंट्रीज के बीच में अग्रीमेंट का नाम क्या है प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फेसिलिटीज क्या ऑप्शन है इंडिया एंड पाकिस्तान यूएस एंड रशिया रशिया एंड चाइना जराल एंड सीरिया या इंडिया एंड चाइना कम ऑन क्वेश्चन नंबर थ्री ओके सो मेहके आता है तो ट्वेंट अभी थर्ड क्वेश्चन पर है हम अभी तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि सभी स्किप करेंगे बट स्टिल वॉट अकॉर्डिंग टू यू वुड बी द राइट आंसर इन दिस केस द राइट आंसर इज इंडिया एंड पाकिस्तान ठीक है तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर नेक्स्ट देखते हैं विच कंट्री हैज साइंड थ्री लीज एग्रीमेंट्स विद इंडिया टू डेवलप द ऑयल टैंक फार्म मार्क दिस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है बहुत इजी है इसको याद रखना बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम में आ सकता है ऑयल फार्म सो जिस किसी ने भी सी ऑप्शन दिया दैट इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर श्रीलंका इज द राइट आंसर राइट चलो क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज टेकन ओवर एज द चेयर ऑफ काउंटर कमेटी ऑफ यूएनएससी फॉर द ईयर 2022 अगेन अ वेरी इजी आई वुड से एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल इसके साथ साथ पिछला चेयर कौन था जिसको कि रिप्लेस किया है वो भी याद करो ठीक है इसका आंसर है बी वेरी गुड वेरी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स इंडिया फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस गोइंग टू बी लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाटर टैक्सी सर्विस पहली इंडिया की ठीक है तो कहां पर है कोलकाता कोची मुंबई चेन्नई है पंजी आई एम श्योर इसका भी सही जवाब आएगा सभी के साथ ठीक है सो सी इज द राइट आंसर वेरी गुड क्वेश्चन नंबर सेवन ऑन द ओकेजन ऑफ द दर्टी एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइस इंडिया हैज कमेज नेगोशिएशन ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफ टी एच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज थर्टी एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक टाइस बस इसी से याद आ जाना चाहिए द राइट आंसर इज इजराइल वेरी गुड नेक्स्ट देखते हैं

क्वेश्चन नंबर नाइन खुंटकटी सिस्टम वॉज इन न्यूज इट इज रिलेटेड द फॉलोइंग तो खुंटकटी सिस्टम किससे रिलेटेड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंशियंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन ज्वाइंट ओनरशिप बिटवीन लैंड एंड ट्राइबल लाइनेज क्लैन नेमिंग सिस्टम ऑफ सोलीगा ट्राइबल्स या फिर इट इज अ मैरिज सिस्टम टू नॉर्थ ईस्ट मतलब मैरिज सिस्टम क्लैन नेमिंग सिस्टम ओनरशिप ऑफ लैंड बाय ट्राइबल लाइनेज एंशियंट सिस्टम फॉर मेडिसिन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सो येस आई थिंक एवरी वन इज सी लद्दाख इज द राइट आंसर फॉर दैट आई थिंक लद्दाख शुड बी दी राइट आंसर टू तो इसको हम सेशन के एंड में या फिर पी डी एफ को मैं करेक्ट करके नीचे अपलोड करूँ नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करेक्टेड पी डी एफ आपको मिल जाएगी राइट क्वेश्चन नंबर नाइन द राइट आंसर इज इट इज इट इज ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ लैंड बाई ट्राइबल लाइनेज सो राइट क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन गेल साइंड एमओयू फॉर कोऑपरेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली फ्यूल्स विद ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स तो गेल ने अभी एमओयू साइन किया है किसके साथ तो so जनवरी 2022 ट्वेंटी टू के बाद इको फ्रेंडली फ्यूल्स की बात हो रही है गेल और कौन सी स्टेट यहां पे इन्वॉल्व है ये आपका क्वेश्चन है ठीक है तो क्वेश्चन ऑब्वियसली इट कैन आल्सो बी फॉर्म्ड इन द काउंटर मैनर जहां पे कि ये पूछा जाए कि इस स्टेट ने किसके साथ एमओ यू साइन किया है फॉर इको फ्रेंडली फ्यूल प्रोडक्शन याद रखना है महाकाली रिवर फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज अ वेरी इजी क्वेश्चन आई नो बट इंपॉर्टेंट इन डीड ठीक है सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर इलेवन वी आर टॉकिंग अबाउट महाकाली रिवर तो इंडिया के साथ कौन सी कंट्री पे इसका बॉर्डर पड़ता है तो क्वेश्चन नंबर का आंसर मोस्टली सारे बिल्कुल सही है नेपाल दी राइट आंसर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं uh, नेपाल का एक राइट right, अनुग्रह ने फ्लैग भेजा है नेपाल का एंड आई वुड लाइक टू मेंशन दिस नेपाल इज दी ओनली कंट्री विद ए ट्रायंगुलर फ्लैग राइट सो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इंडिया ओपन रॉक म्यूजियम हैज बीन इन द फॉलोइंग लोकेशंस तो इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहां बना है ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द राइट आंसर इज हैदराबाद वेरी गुड ऑल ऑफ यू तो अभी तक आई थिंक बहुत सही चल रहा है अपना ठीक है बहुत सही आंसर्स आ रहे हैं एकदम मतलब आई डोंट थिंक किसी ने भी अभी तक गलत आंसर दिया है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन द बुक टाइटल्ड रतन एंड टाटा दाय दाइज बायोग्राफी

थॉमस मैथ्यू आप एक बार अभी ध्यान में रखोगे तो ऑटोमेटिकली आई थिंक एग्जाम के टाइम पे ये चीज दिखनी चाहिए आपको एग्जाम में राइट नेक्स्ट द कोपाल टॉय क्लस्टर फर्स्ट टॉय इंफ्रास्ट्रक्चर द वैल्यू चेन ऑफ टॉय मैन्युफैक्चरिंग इज बीइंग सेट अप इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस तो कोपाल टॉय क्लस्टर कहां पर आ रहा है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कर्नाटका केरला या उड़ीसा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में कोपाल टॉय क्लस्टर की हम बात कर रहे हैं ये कहां पर आ रहा है श सिंह राइट आंसर एनी वन एल्स का और अभी संतोष ने बोला ऑप्शन डी द राइट आंसर इज कर्नाटका सी इज द राइट आंसर वेरी गुड नेक्स्ट तो क्वेश्चन टू इन्वेस्टिगेट सिक्योरिटी ब्रीच ड्यूरिंग द प्राइम टू पंजाब तो कमेटी के हेड कौन है ये पूछा गया हिंदू मल्होत्रा यू यू ललित डी वाई चंद्रचूड इंदिरा बैनर्जी या विनीत सरन द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इंदू मल्होत्रा इज द राइट आंसर वेरी गुड ऑप्शन ने भी मार्क किया है बहुत सही चलो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे पहुंच गए हम द यूनियन गवर्नमेंट हैजेट टू शेयर मोर इंटेलिजेंस इनपुट थ्रू मैक व्हाट इज द फुल मैक तो मैक की फुलफॉर्म क्या है अब देखो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन रह सकती है इंटेलिजेंट इनपुट सिस्टम से याद रखो मैक को ठीक है तो ऑप्शन देखो मल्टी अलायंस सेंटर मल्टी सेंटर मल्टी एजेंसी सेंटर मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन या मल्टीलेटरल एनालिसिस सेंटर ओके तो इसमें आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू टेक सम टाइम दैट इज ऑल राइट बट डू मार्क द राइट आंसर सो दैट यू कैन रिमेंबर कि क्या है इसका सही जवाब आंसर को मार्क करो गलत भी मार्क करोगे चलेगा एग्जाम के अंदर गलत नहीं होगी अगर यहां पे गलती कर जाओगे तो योर आंसर्स राइट और रॉन्ग इट ड मैटर फॉर नाउ व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू मार्क इन योर एग्जाम सो कीप दैट इन माइंड योर आंसर्स राइट नाउ राइट तो सिक्सटीन का बी ई डी सी ओके सो एवरी इज बेसिकली गिविंग डिफरेंट आंसर्स रिमेंबर द राइट आंसर इज अ मल्टी एजेंसी सेंटर ठीक है मल्टी एजेंसी सेंटर आई थिंक सबसे सिंपल जो फुल फॉर्म है इनमें से मल्टी एजेंसी सेंटर ही है और यही सी पॉइंट से इसको याद रखो एम ए सी की फुलफॉर्म है मल्टी एजेंसी सेंटर राइट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द साउथ इंडियन साउथ इंडिया सूफी कॉन्फ्रेंस नतिया मुशरिया हैज बीन होस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस तो साउथ इंडिया की सूफी कॉन्फ्रेंस का नाम नतिया मुशहरा कहां पर हुई है लखनऊ दिल्ली तिरुपति श्रीनगर या इंदौर तो आपको इसको किस चीज से नाम रखना है नाम को याद रखना है नतिया, मुशरिया, मुशरिया, मुशरिया कहां पर हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 17, नीलेष सिंह ऑप्शन बी तो ए एंड बी सी भी आ रहा है आंसर द राइट आंसर इज तिरुपति तो तिरुपति में हुआ है न, नतिया मुशायरा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन विच आर द लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया तो इंडिया की अभी रिसेंटली सिंगल लोकेशन पर सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहां किस कंपनी की बन गई है जीएसडब्ल्यू स्टील विजयनगर सलेम स्टील प्लांट टाटा स्टील लिमिटेड केला स्टील प्लांट या जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड क्वेश्चन नंबर एटीन तो देखो एटीन क्वेश्चन पर हम आ गए हैं ठीक है राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर एटीन इट इज ए जे एस डब्ल्यू स्टील विजय नगर ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फॉलोइंगेज ऑफ पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर सभी के सही जवाब आएंगे यहां पर ठीक है पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के लिए कौन सी कंपनी को रिसेंटली सेकेंड फेज का टाई अपनमेंट के साथ तो टाटा की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस का टाइप हुआ है विद पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम फेज टू वेरी गुड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तो ट्वेंटी पर हम आ गए ऑफ ऑफ द सेशन टॉप हंड्रेड एमसीक्यूज यहां पर वन फिफ्थ हो गया कंप्लीट अगर सेशन पसंद आ रहा तो like है तो लाइक करो ठीक है जोश बहुत आया है दैट इज रियली कमेंडेबल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंगीज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज इन इंडिया तो हमने ड्यूरिंग कोविड वी हैव लर्न दिस वर्ड की कोविशील्ड कोवैक्सीन दे हैव रिसीव्ड इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन तो वो कौन देता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये ठीक है इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इट इज अ डी सी जी आई ठीक है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया तो एकता uh, ओके आई विल टेक अपर क्वेरी एट द एंड ऑफ द सेशन डू सेंड एस डॉट को डॉट इन फॉर द सेम अदरवाइज यू कैन अगेन सेंड दस इन द चार्ट एट द एंड ऑफ द सेशन तो डी सी जी आई जिस किसी ने भी किया है इट इज द राइट आंसर चलो हु फॉलोइंगज प्रपोज्ड प्लान टू लेबल समल गैस एंड न्यूक्लियर पावर हैज ग्रीन एनर्जी तो बेसिकली हमने न्यूक्लियर पावर और गैस पावर को ग्रीन एनर्जी बोलने का किस कंट्री ने बोला है यूनाइटेड किंगडम स्वीडन यूरोपियन यूनियन डेनमार्क या भूटान ठीक है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन का राइट right आंसर दो कॉमन गाइज इथ ओके सो द राइट आंसर इज यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन हैज सेड दैट दे विल They are planning to call gas energy, gas power, and nuclear power as green energy. Okay. Next question number 22. Which of the following has become the first United States company to touch year three million, three trillion dollar uh, market capitalization? Again, uh, this news was in highlight. तो आई थिंक ये तो याद रहना चाहिए सभी को द राइट आंसर इज एप्पल ठीक है क्वेश्चन नंबर नंबर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री का राइट आंसर कम ऑन गाइस टैटू इंक बेसिकली टैटू को किस कंट्री ने अभी रिसेंटली बैन किया है राइट आंसर इज यूरोपियन यूनियन अगेन ठीक है ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच आर दॉइंगज साइंड न्यू फाइव ईयर एग्रीमेंट ऑन शेरिंग दॉ इट मिलिट्री प्रेजेंस इन जेपान तो जपान के अंदर कौन सी कंट्री की हाइएस्ट मिलिटरी प्रेजेंस है आई थिंक इसी से आंसर क्लियर हो जाएगा ठीक है द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर कमन गाइज आई डोंट थिंक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में इतना टाइम लगना चाहिए सो अशोक से राइट आंसर इज यूएस तो यूएस इज द राइट आंसर रिमेंबर बहुत ईजी आई थिंक होना चाहिए था हीरोमा नागा से याद रखो कि जापान के अंदर यूएस ने करवाया था तो यूएस जो है अब उसके बाद हैंडल करता है उनके डिफेंस के एक्सपेंसिस ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव सो वन फोर्थ ऑफ द सेशन एंड ओवर हिस्सर अब आपने इसके बाद मुझे बताना है कि क्या परफॉर्मेंस रह रही है मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा बहुत मतलब ऑलमोस्ट एवरी वन इज पार्टिसिपेटिंग इन द चैट बॉक्स बट लेट्स एनालाइज की क्या अभी तक की रही है हमारी क्वेश्चन नंबर माया नाइट इलेक्ट्राइड जहां कहीं पे भी आएगा या 5G जी माइक्रोवेबर जहां कहीं पे भी आएगा तो आपको उसके साथ कौन से कौन से इंस्टीट्यूट को याद कौन से इंस्टीट्यूट को याद रखना है कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने इसको डेवलप किया है यह आपको याद रखना है ठीक है तो ये भी हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको इंस्टीट्यूट का नेम फाइव जी माइक्रोवेव जाए और आपसे पूछा जाए कि नाम क्या है तो ये भी याद रखना पड़ेगा आपको ठीक है द राइट आंसर इज केरला यूनिवर्सिटी ठीक है जी क्लियर है तो ठीक है फिर आगे चलें एनी डाउट्स यहां पे किसी को कोई डाउट है या फिर किसी को uh,

तो वहां पर जब वो चीज नहीं होती है तो हाउ वुड दे क्लीन दर क्लोथ तो एक लॉन्ड्री मशीन डेवलप कौन सी कंपनी कर रही है फॉर एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस सो ट्वेंटी एंड जी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ठीक है तो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन द नेशनल द नैनीताल केप सर्वे वॉज इन यूज इट इज रिलेटेड विच द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट्स एंड डेंजर्ड स्पीशीज एक्सॉटिक प्लांट्स स्टार्स इन द यूनिवर्स नन ऑफ द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वॉट इज द राइट आंसर गाइस? द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इट इज सर्वे ऑन स्टार्स इन द यूनिवर्स ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट द सी ड्रैगन ट्वेंटी टू एक्सरसाइज हैज बीन हैंडल्ड इन द फॉलोइंग लोकेशंस तो सी ड्रैगन ट्वेंटी टू एक्सरसाइज कहां पर हुई है बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन या रेड सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट सी ड्रैगन ट्वेंटी टू एक्सरसाइज सो हुएवर इज मार्किंग द राइट आंसर ऑन ऑल्सो गिव मी सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एक्सरसाइज किसके बीच में ही हुई थी एक्सरसाइज ठीक है सो द राइट आंसर इज पैसेफिक क्वेश्चन पैसेफिक क्वेश्चन में हुई है सी ड्रैगन ट्वेंटी टू एक्सरसाइज किस के बीच में हुई है ये एक्सरसाइज ये बताओ अभी ठीक है टू क्वेश्चन नंबर the इन oceans? ऑफ a अगेन इजी क्वेश्चन राइट ये तो बहुत इजी है एंड एक हिंट देता हूं पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता आंसर ही है ठीक है द राइट आंसर इज पैसिफिक ओशन ठीक है चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिसेंटली न्यूज It is related to which of the following fields. So Adu Kazal award. Kaunsi field fields related hai. Adu Kazal award. The right answer for question number 30 it is literature. Very good. So moving on to question number 31. Uh, Meet the Champions Campaign is an initiative of which of the following ministries? Meet the Champions uh, Campaign is an initiative of which of the following

Vini Mahajan. So very good. Moving on to question number 33. Who has become the first woman to head ONGC? A very important question. First woman to head ONGC. Very important question. Hai. Question number 33. The right answer is. अलका मित्तल वेरी गुड तो आंसर्स देख के तो मुझे लग रहा है कि सभी की पूरी तैयारी है एवरी वन इज गिविंग द राइट आंसर्स एंड दैट टू वेरी क्विकली वेरी गुड गाइज बेक ग्राउंड ऑफ अ एंड पैट योर सेल्फ ऑन योर बैक्स राइट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर पे चलते हैं रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज है एकोनिक वीक ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव फ्रॉम टेंथ टू सिक्सटीन जनवरी वॉट इज द थीम ऑफ द इवेंट तो जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने ऑर्गेनाइज किया है आइकॉनिक वीक ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव उसके क्या थीम है so सो से भी फेज के लिए इंपॉर्टेंट है बिल्कुल है क्योंकि एग्जाम से हमने देखा है कि एटलीस्ट तीन से चार महीने पहले वन, के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर योर फेज वन ठीक है एंड जनवरी के टॉप हंड्रेड क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू इसमें से बहुत क्वेश्चन होंगे जो कि आपको एग्जाम के अंदर मिल सकते हैं ठीक है थीके? सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अब ये चारों ही उसके थीम्स थे इवेंट्स के ठीक है तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड टू कमेमरेट रिटर्न ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स टू इंडिया तो प्रवासी भारतीय दिवस क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव सो सी 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 इज द राइट आंसर महात्मा गांधी इज द राइट आंसर इज वेरी गुड मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स

हाईवे पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी एयरपोर्ट्स या फास्ट ट्रेन इनमें से एक कॉमन पॉइंट क्या है इन सभी ऑप्शन में से ठीक है जो कि सभी को ही कैटर कर रहा है इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी ठीक है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल ऑफ

मोन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग मेड ऑफ खादी फैब्रिक हैज बीन पुट ऑन डिस्प्ले इन एड विच ऑर दुकेशन पूछ लौंगे वाला राजौड़ी वागा या फिर श्री गंगानगर अग्निंग इसी, इसी सेशन के भरोसे जा रहा हूं मैं जी ए में ठीक है चलो अच्छी बात है बट थोड़ा सा प्रिपेयर और कर लो आ, फास्ट ट्रैक को थोड़ा सा रिवाइज कर लो पीपीटीज को पढ़ के जाओ आई वुड सजेस्ट पीपीटी जो पीडीएफ हैं उनमें से आपको पढ़ने को जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो टाइम बहुत कम लगेगा एंड यू विल यूलो गो थ्रू अलॉट मोर कंटेंट राइट क्वेश्चन नंबर फोर्टी द राइट आंसर इज लॉन्गे वाला ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं फोर्टी वन रिसेंटली एन आइडल ऑफ गोट हेड योगिनी बिलोंगिंग टू टेंथ सेंचुरी हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस तो इसका सही जवाब दो तब तक मैं अग्नि की एक छोटी सी क्वेरी को लेता हूं के सेइंग दैट मैं इन्हीं इसी सेशन के भरोसे जा रहा हूं जीए में तो ऑब्वियसली ये एक इकलौता सेशन आ, आप मतलब इट इज नॉट कंप्लीट फॉर योर एग्जाम ठीक है कंप्लीट नहीं है इट इज प्योरली फॉर रिविजन एंड दैट टू अ क्विक रिविजन जस्ट टू सेव योर टाइम ठीक है सिर्फ इसके भरोसे जाओगे तो चांसेस हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होंगे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर बट सिर्फ इसी के भरोसे जाना वुड नॉट बी सफिशियंट आई वुड रियली एनकरेज यू ऑल टू टेक द सेशन एज अ रिविजन सेशन ओनली इससे साथ साथ अगर टाइम है तो प्लीज गो थ्रू द पी मतलब वो सबसे क्विक मैं कह सकता हूं एक नेक्स्ट स्टेप हो सकता है सबसे क्विक रिविजन का कि पीडीएफ जो है उनको रिवाइज कर लो ताकि आपकी प्रेपरेशन थोड़ी सी बढ़ सके प्रॉपर तरीका तो यही है कि दो तो से तीन महीने के पूरे करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए बट स्टिल नाउ दैट द एग्जाम इज सो क्लोज आई वुड आई कैन ओनली टेल यू कि रिवाइज कर लो सेशन के थ्रू एंड नेक्स्ट वुड बी टू गो थ्रू द पीडीएफ्स क्योंकि वो सबसे ज्यादा टाइम सेविंग तरीका है टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स ठीक है द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन लंडन तो प्लीज प्रोवाइड पीडीएफ पी डी एफ आई विड प्रोवाइडेड टू यू विद इन दी नेक्स्ट वन और टू आवर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो ठीक है क्वेश्चन नंबर टू इंडिया आउट कैंपेन वॉज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज तो इंडिया आउट कैंपेन कौन सी कंट्री में हुआ है द राइट आंसर इज आई होप ये तो सभी को पता होगा ठीक है द राइट आंसर इज मालीव तो चलो क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री देखते हैं द यूनाइटेड नेशन हैज लॉन्च अ डोनेशन ड्राइव फॉर नियरली यू फाइव बिलियन डॉलर्स एड टू हेल्प पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फोर्टी थ्री सुदान सुमालिया यमन अफगानिस्तान या सीरिया द राइट आंसर इज द राइट आंसर इज अफगानिस्तान ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर देखें चाइना हैज लॉन्च ट्वेंटी फाइव ओके सॉरी ओके द राइट ओके ठीक है ठीक है चाइनाटी फाइव कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन विद्री ने किसान एग्रीमेंट साइन किया है ऑप्शन पाकिस्तान ईरान बांग्लादेश म्यांमार क्वेश्चन काउंटर फॉर्म में भी हो सकता है कि किस कंट्री के साथ चाइना किस कंट्री ने चाइन ओके सॉरी तो ईरान जैसे आंसर है तो ईरान ने किस कंट्री के साथ इस एग्रीमेंट को साइन किया है आंसर चाइना एक कोई फिल इन द ब्लैंक भी बन सकता है इनमें से ठीक है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जनवरी ठीक है तो इसका सही जवाब दो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर इन द बॉक्स

कैलिफोर्निया uh, फ्रैंकफर्ट या लंडन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स द राइट आंसर इज ओके तो फोर्टी सिक्स का मोस्टली आंसर आई थिंक सारे वन एंड सी तो ए एंड सी के बीच में आंसर चल रहा है एंड एवरी वन इज ए द राइट आंसर इज ऑप्शन बी तो मैरीलैंड को याद रखना है मैरीलैंड ठीक है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन आर्सिव ओके इसको आरकेफ बोलना चाहिए आरकेफ डॉट ऑर्ग इज अज

क्वेश्चन नंबर इज इज आस्किंग कंट्री रिपोर्टेड टू हैव बिल्ड आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल मून कौन सी कंट्री ने बनाए ठीक है सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन आर्टिफिशियल मून कौन सी कंट्री ने बनाया गाइस जोश इतना लो क्यों कर दिया है कम ऑन हमारे 20, uh, हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ ये सेकंड सेट ऑफ ट्वेंटी होने वाले हैं आपने बताना है मुझे कि क्या सही कितने सही जवाब चल रहे हैं आपके अभी तक अगर आंसर ही नहीं मार्क करोगे तो कैसे काउंट होगा कि सही था या गलत था तो एक रहना चाहिए कि आप आंसर यहाँ पे साथ साथ मार्क करते रहो चाइना इज द राइट आंसर वेरी गुड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर द नेम ऑफ फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर विच इज बीइंग इंडिजिन बिल्ड एट कोच शिपयार्ड शिप यार्ड क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन जस्ट वन क्वेश्चन लेफ्ट फिर आप मुझे बताएंगे कितने सही जवाब चल रहे हैं ठीक है थीके?

तो एम पी ए टी ए जी एम कौन बनाएगा क्या ऑप्शन है बी एच ई एल डी आर डी ओ बी डी एल इसरो रेफेल सिस्टम क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पर है हम योर राइट आंसर विल टेल यू हाउ मेनी राइट आंसर आर यू गेटिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन तो डीआरडीओ डी आर डी ओ इज नॉट द राइट आंसर चलो हटा दो इसको अब बताओ क्या है सही जवाब फिफ्टी का डी कह रहे हैं इसरो इसरो इज नॉट राइट आंसर रफे सिस्टम इज नॉट बी एच ई एल या फिर बी डी एल बताओ क्या है सही जवाब इसमें से आपके अकॉर्डिंग सो वी आर ओनली लेफ्ट विद टू ऑप्शंस नाउ ए ए एंड एंड सी सी ऑप्शन का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो क्या मार्क करके आओगे आप द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ठीक है भारत डायनामिक्स लिमिटेड बनाएंगे इस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को ठीक है चलो तो 50 क्वेश्चंस हो गए फिफ्टी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या परफॉर्मेंस रह रही है सेशन पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे को बॉक्स में बताओ अगर पसंद आ रहा है सेशन तो लाइक करो शेयर करो एंड ठीक है मेरे को आपने डेफिनेटली बताना है कि कितने सही जवाब अभी तक आपने दिए हैं इन योर फर्स्ट फिफ्टी सेट ऑफ क्वेश्चन तो फिफ्टी क्वेश्चन है ठीक है आधा सेशन हो गया जोश को थोड़ा हाई रखो नेक्स्ट सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस को हमने और अच्छे से करके लेके जाना है ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं डीआरडीओ हैज कंडक्टेड सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ एडवांस नेवल वेरियंट ऑफ ब्राह्मोसोनिक मिसाइल वॉट इज द रेंज ऑफ दिस मिसाइल तो जो अभी नेवल वर्जन है उसकी क्या रेंज है द राइट आंसर इज ऑप्शन टू टू फिफ्टी ओके द राइट आंसर इज ऑप्शन सी थ्री फिफ्टी टू फोर हंड्रेड किलोमीटर्स ठीक है मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन तो ब्राह्मो एंटी शिप मिसाइल सिस्टम फॉर नेवी अभी किस कंट्री ने लिया है क्या ऑप्शन है मॉरिशियस मलेशिया थाईलैंड वियतनाम या द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टू द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर इट इज फिलिपींस ठीक है ये तो सभी को आता है ठीक है नेक्स्ट फिफ्टी थ्री दरवाजा गैस क्रेटर ऑल्सो नोन एज गेट वे टू इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन ऐसे क्वेश्चन आई थिंक आते हैं एग्जाम के अंदर जहां पे भी कुछ स्पेशल या कुछ डिफरेंट हो रहा होता है ठीक है तो इसको मार्क कर लो इंपॉर्टेंट और इसको अभी बंद करने की बात हो रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बहुत ही हॉट टॉपिक है ठीक है वैसे भी गेट वे टू हेल नाम भी इतना सही है जगह भी इतनी सही है तो कहां पर है ये इट इज इन करू डेजर्ट ठीक है नेक्स्ट रेड सैंडर्स हैज बीन इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ आयुसियन रेड लिस्ट तो राइट रेड सैंडर्स रेड सैंडलवुड लाल चंदन इसको किस कैटेगरी में डाला गया है ऑफ रेड लिस्ट द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फिफ्टी फोर का सही जवाब है इंडेंजर ठीक है चलो नेक्स्ट फिफ्टी फाइव इंडिया ओल्डेस्ट बियर फॉन्डली नेम्ड गुलाबो हैज पासड अवे एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस तो इंडिया के ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर का नाम भी पूछा जा सकता है उसकी उसका नाम है गुलाबो ठीक है कहां पे उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है द राइट आंसर इज वन वी हार नेशनल पार्क एंड जू ठीक है तो चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स टोंगा इज मीन आईलैंड ऑफ टोंग टापू है राइट आंसर फिफ्टी सिक्स इट इज पैसिफिक ओशन ठीक है क्वेश्चन नंबर फॉलोइंग हैज बीन द आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड बाय यूएस बेस्ड वर्ल्ड इंडिया डायबिटीज फाउंडेशन तो किसको मिला है हमारा आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड तो उधर ऑप्शन कुमार विजय भारत डी जे पंडियन या शंकर फिफ्टी सेवन कमऑन गाइज पीछे रह गए काफी फिफ्टी सेवन का राइट आंसर या ओ ओके सो आई थिंक देर सम विद चैट रिफ्रेश रेट द राइट आंसर फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन का ओके एवरी वन इज संग ए एंड इज ऑल्सो संग इमाशंकर राजकुमार रमाथन द राइट आंसर इज विजय विश्वनाथन ठीक है चलो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर याद रखना है विजय विश्वनाथन को मिला है आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड बाय यूएस बेस्ड वर्ल्ड इंडिया डायबिटीज फाउंडेशन ठीक है जी फिफ्टी एट हुजिकम इंडिया सेवेंटी थर्ड ग्रैंड मास्टर एट इटली तो क्या क्या याद रखने वाला है सेवनटी थर्ड ग्रैंड मास्टर है इंडिया के कहां पे बने इटली में और ऑप्शन में से राइट आंसर इसमें से क्या है राइट आंसर इज ऑप्शन वन दैट इज वेरी गुड रोहन ने सही जवाब दिया है बहुत जल्दी आंसर किया है ओके इंदू अल्पना पॉइंट्स को याद कर लो यहाँ पे भारत सुब्रमण्यम सेवेंटी थर्ड चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया ही बिकेम द ग्रैंड मास्टर एट इटली ठीक है नेक्स्ट उर्जित पटेल हैज बीन अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ए वेयर आई बी वेर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ ए लोकेटेड तो ए आई आई बी के कहां पर है शाई बीजिंग मॉस्को जकार्ता या मनीला द राइट आंसर इज बीजिंग ठीक है चलो फिफ्टी अली खान समलोव हैज बीन इलेक्टेड एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज तो अली खान स्मोव कौन सी कंट्री के अभी रिसेंटली न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी

राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू द राइट आंसर इज कैथरीन रसेल कैथरीन रसेल ठीक है याद रखना है चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर गूगल हैज पेड ट्रिब्यूट टू एजुकेटर एंड फेमनिस्ट आई कैन फतिमा शेखी फर्स्ट बर्थ दे शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टीचर इन द वर्ल्ड मुस्लिम वुमेन टीचर इन इंडिया मुस्लिम वुमेन डॉक्टर इन इंडिया मुस्लिम वुमेन जज इन इंडिया ए मुस्लिम वुमेन लॉयर इन इंडिया क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री ओके सो अल्पना इज आंसरिंग फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर अल्पना अभी हम क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री पर तो उसका सही जवाब दो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एवरी वन हैज गिवन ऑप्शन बी दैट इज द राइट आंसर फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टीचर इन इंडिया थी हमारी फतिमा शेख ठीक है क्वेश्चन नंबर तो अब आपके पास ऑप्शन सिक्सटी फोर को मार्क करने का माया एंगलू हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू अपीयर ऑन यूएस क्वार्टर इन अ न्यू वर्जन ऑफ कॉइन एंड व्हील बाय यूएस मिंट शी इज फ्रॉम विच फील्ड तो कौन सी फील्ड से बिलोंग करती है माया एंगलू तो सिक्सटी फोर का राइट आंसर सो एवरी वन इज द राइट आंसर एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट पोएट एंड एक्टिविस्ट थी माया एंग्लू ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव विच यूनियन टेरिटरी हैज ऑफ इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस तो कहां पे अभी जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू में तो ये क्यों लेके चलो इसको कि जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू में कौन सी स्टेट यूनियन टेरिटरी ने उनकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक बस को भी रिसेंटली लॉन्च किया है ऑप्शन सर चंडीगढ़ न्यू डेली उत्तराखंड सिक्किम या लक्षद्वीप द राइट आंसर right इज न्यू डेली ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स हैज रिटन अ बुक कॉल्ड इंडियाज अनडिक्लेर्ड इमरजेंसी Constitution, law, and politics of resistance. Question number 66. The right answer for the book, name India's Undeclared Emergency. The right answer is Arvind Naren Again, everyone has given the right answer. Question number 67: Which of the following two states have approved give and take formula on recommendations of the three regional committees formed to resolve the five-decade-old border issue? तो बॉर्डर इशू कौन सी दो तो स्टेट्स के बीच में चल रहा है गेवन टेक फॉर्मुला वो दो स्टेट्स अडॉप्ट करेंगी आपको इन दोनों पॉइंट्स को याद रख के चलना है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है जहां पे कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है तो याद रखो ये पॉइंट्स को तीन रीजनल कमिटीज ने रिकमेंड किया है एक टेक फॉर्मूला टू सॉल्व फाइव डेकेड डेकेडोल मतलब पचास साल पुराने बॉर्डर इशू को बिटवीन असम एंड मेघालय ठीक है तो ठीक है जी चले फिर क्वेश्चन नंबर एट पे विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल कुमार जैन टू शेयर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिलेटेड टू कोल सेक्टर तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर पोर्टल का नाम पूछा गया जो कि कोल सेक्टर की की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को रिफ्लेक्ट करेगा बताएगा कोयला दर्पण पोर्टल कोल एम्पावर इलेक्ट्रिसिटी कोयला निर्वाण समृद्धि कोल ट्रांसपेरेंसी टू ऑल या कोयला अवतार 68 का राइट आंसर गाइस द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट इट इज कोयला दर्पण पोर्टल ठीक है चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर रिसेंटली विच हैज टेकन अप द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो ब्रिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू की चेयरमैनशिप अभी कौन सी कंट्री ने ली है इंडिया ब्राजील चाइना रशिया साउथ अफ्रीका क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन पर हम है द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन इट इज द राइट आंसर इज चाइना ठीक है चाइना ने अभी रिसेंटली चेयरमैनशिप लिया ऑफ ब्रिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू चलो हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन सिलेक्टेड फॉर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू अवार कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया फॉर दी दवार द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवेंटी का राइट right आंसर है जी ट्वेंटी नाइन तो आई एम रियली इंप्रेस्ड कि इसके भी सभी के सही जवाब आ रहे हैं सो मोस्टली एवरी वन हैज मार्क्ड ऑप्शन बी एज द राइट आंसर वेरी गुड क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज हैजेज फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग फॉर लिविंग रूटेस इन ऑफ द स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है मैं कहूँगा आपको इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यही कभी मिल रहा है ठीक है तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के के लिए के टैग के लिए कौन सी स्टेट ने अप्लाई किया है फॉर इट्स रूट्स ब्रिजेस द राइट आंसर इज मेघालय मेघालय ठीक है बहुत इजी है मेघ आल्य ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू विच स्टेट कोर्ट हैज इंटीग्रेटेड टू डिजिटल सर्विसेज अगेन अ वेरी इजी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है जो कोई भी थोड़े बहुत भी करंट अफेयर्स पढ़ रहा है फास्ट ट्रैक के सेशंस देख रहा है उसको इसका पक्का आंसर पता होगा द राइट आंसर इज गुजरात हाईकोर्ट ठीक है तो गुजरात हाईकोर्ट ने बेसिकली एक एक बहुत ही सिंपल न्यूज बताता दूं उससे आपको याद ही रहेगा एक पैनल डिस्प्ले पे बता दिया है कि कितना बैकलॉग चल रहा है कितनी बेसिकली पेंडिंग किसे चल रहे हैं इन द कोर्ट तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के लिए एक डिजिटल सर्विस स्टार्ट करिए ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री एम एस डी ई है साइंड एन एम ओ योच दिन स्ट्रेंथ इन वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग फ्रेमवर्क राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री इट इज इट इज इट इज सेवेंटी थ्री का इग्नो राइट आंसर वेरी गुड चलो नेक्स्ट सेवेंटी फोर द बुक द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन बायोग्राफी बाई जया प्रकाश नारायण हेज बीन रिटर्न बाय सेवनटी फोर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर बिमल प्रसाद इज द राइट आंसर आई थिंक अभी तक सारे 73 का आंसर कर रहे हैं दैट इज ऑल राइट 74 का आंसर मार्क करके आज रखना है प्रसाद चलो क्वेश्चन नंबर 75 तो अब आपका थर्ड असाइनमेंट का टाइम है आप बताइए कितने सही जवाब हैं आफ्टर दिस आंसर रैनसमेयर रेविल अभी किस कंट्री ने पकड़ा है ठीक है रेविल रैंसम वेर द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी ंग यू दिस इज अग हिंट ठीक है रेविल एंड रैमसम सॉरी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव इट इज रशिया रशिया इज द राइट आंसर तो गाइज थ्री फोर्थ सेशन कंप्लीट हो चुका है सो लेट मी नो क्या परफॉर्मेंस चल रही है अभी तक मजा आ रहा है सेशन में कि नहीं आ रहा है यही परफॉर्मेंस एग्जाम के अंदर रहेगी तो क्वालिफाई कर लो गो लग रहा है बट आई वॉन्ट टू हेयर इट फ्रॉम यू गाइज हाउ आर यू एंजॉइंग दीज दिस पर्टिकुलर सेशन मजा आ रहा है तो चैट बॉक्स में बताओ एंड वॉट इज योर परफॉर्मेंस नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी पहले से क्या परफॉर्मेंस बेटर रहने वाली है या फिर अभी स्किप करना भी शुरू करना है क्वेश्चन को अभी तक तो आई डोंट थिंक मैंने किसी को कोई क्वेश्चन स्किप करते देखा भी है तो मोस्टली ऑलमोस्ट सारे आंसर ही आपके करेक्ट आ रहे हैं एंड दैट इज रियली कमेंडेबल ठीक है फिफ्टी नाइन आउट ऑफ सेवेंटी फाइव दैट इज ग्रेट वेरी गुड तो ठीक है यहां पर गलतियां कर लो सेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम के अंदर गलतियां होंगी ही नहीं अगर यहां पर गलतियां कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स पर चलें फिर ठीक है हाउ इज द जोश डू लेट मीन इन द चैट बॉक्स कैसा जोश है ठीक है एग्जाम के अंदर भी इसी जोश के साथ जाएंगे चलो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स को देखें फिर विच कंट्री हैज पास बिल टू रिप्लेस इट्स कैपिटल विद ईस्ट कलीमंथन तो कौन सी कंट्री की कैपिटल चेंज हो रही है हमने अभी न्यूज में पढ़ा है ठीक है जोश हाए सर, हाए, हाए, जोश हाय 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 सर रहना चाहिए ठीक है है तो चलो 76 का राइट right आंसर हमारा इंडोनेशिया ठीक है तो उनकी जो कैपिटल है अभी जकार्ता इट इज कॉल्ड सिंकिंग सिटी ठीक है तो उसका जो कैपिटल है वो चेंज हो रहा है नेक्स्ट 77 सेवन बोर्नोए आयलैंड वॉज रिसेंटली इन न्यूज इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री तो बोर्नोए आयलैंड कौन सी कंट्री में लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया फिलिपींस पपुआ न्यू इंडोनेशिया या सेवन 77 का राइट right आंसर है इंडोनेशिया तो इसमें ने मेरे को चीज याद आई एक अनाउंसमेंट है छोटी सी सेशन के एंड में बताऊंगा स्कड्यूल फॉर आर रिविजन सीरीज ठीक है तो हमारा स्केड्यूल थोड़ा सा चेंज हुआ है रिविजन सीरीज का आई विल डिस्कस दिस इन देंड ऑफ द सेशन लेट्स क्विकली कंप्लीट द सेशन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट दॉज ए न्यूज इट इज अ डैश तो बहुत ईजी क्वेश्चन है एनिग्मा अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में ठीक है हमने फास्ट सेशन में भी पढ़ा इसके बारे में एनिग्मा क्या है इट इज लार्जेस्ट कट ब्लैक डायमंड एनिग्मा एक मशीन भी थी ठीक है 2022 में एक निगमा अवार्ड जो आया है दैट इज फॉर लार्जेस्ट कट ब्लैक डायमंड ठीक है काले हीरे की बात हो रही है यहाँ पे सेवेंटी नाइन विच कंट्री हैज बैंड यूज ऑफ ड्रोन फॉर वन कंट्री तो कौन, कौन सी कंट्री ने एक महीने के लिए ड्रोन को बैन कर दिया गया है फॉलोड बाय अटैक बाय ड्रोन तो ड्रोन के ड्रोन से एक अटैक हुआ कंट्री के अंदर उस कंट्री ने एक महीने के लिए ड्रोन को बैन कर दिया है सोल्यूशन फॉर दिसन यू एज द राइट आंसर ठीक है यू याद रखना यू ने ड्रोन को बैन किया है फॉर वन मंथ क्वेश्चन नंबर एटी विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद बैंगलुरु बेस्ड मेक टेक्नोलॉजीज स तो मैक्विन टेक्नोलॉजी को आप अगर पढ़ेंगे सोलर पावर पंप अगर आपको दिखेगा तो आपको मांग करके आना है केवी जीबी दैट वुड बी द राइट आंसर तो केवी जीबी मैकविन टेक्नोलॉजी एंड सोलर पावर पंप को इकट्ठे को लाभ करके याद कर लो

अब uh, इसको आप कैसे याद रख सकते हो तीन तरीके की यूवी रेज होती ए बी एंड सी इधर के लिए आपको जो थर्ड ऑप्शन है उसको यूवीसी को याद रखना है ठीक है तो चलो क्वेश्चन नंबर न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म फॉर इंडियन आर्मीडियन आर्मी डे इट इज डिजाइन बाय ऑप्शन क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी अपील ड्रिलिंग एंड डिजाइन सेंटर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अब तो इंडियन आर्मी की न्यू यूनिफॉर्म किसने डिजाइन करी है ये क्वेश्चन है ठीक है द राइट आंसर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एनआईए ने इसको डिजाइन किया है ठीक है जी क्लियर है क्वेश्चन नंबर 84 पर चलें फिर क्वेश्चन नंबर 84 पूछ रहा है ऑपरेशन सरदभा किसने लॉन्च किया है सीआरपीएफ एस एस बी आई एफ बी एस एफ या सी आई एस एफ कहाँ पर लॉन्च किया बता देता हूं जैसलमेर में हुआ था ठीक है मतलब मेन एरिया ऑफ कंसर्न था जैसलमेर जिसके लिए कि ऑपरेशन सरधवा को लॉन्च किया गया था इट वॉज लॉन्च बाय बी ठीक है

टेड इन पैसिफिक क्वेश्चन अटलांटिक्वेशन आर्टिक क्वेश्चन इंडियन ओशन या सी ऑफ जपैन क्वेश्चन नंबर एटी सेवन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन एटी सेवन का राइट right आंसर है आपका फिक ओशन ठीक है जी क्लियर है क्वेश्चन नंबर एटी एट पर चलें फिर विच हिस्टोरियन कन्फोर्ड दरियर अवार्ड गिवन बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट तो किसको मिला गवर्नमेंट द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर एटी एट इट इज एस थिरु थिरुनुक्रीक है क्लियर है एटी एट का क्वेश्चन एटी एट का आंसर क्लियर है जी चले क्वेश्चन नंबर एटी नाइन पर Which of the following institutes has received the Subhash Chandra Bose Awards for Disaster Management under the Institutional category? तो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में मिला एक अवार्ड इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला एक अवार्ड इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी का आंसर हम अभी यहां पर पढ़ेंगे आप मुझे बताएंगे इंडिविजुअल कैटेगरी में अवार्ड किसको मिला है तो so, 89 का सही आंसर है योर गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट लेट मी नो इन द चार्ट बॉक्स इंडिविजुअल कैटेगरी में अवार्ड किसको मिला है क्वेश्चन नंबर फोर्ड एडिशन ऑफ़ वर्ल्ड इट इन। द आर लॉस न्यूयॉर्क या दुबई द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर नाइनटी इट इज वेगस लॉस वेगस में हुआ था कॉम्पिटिशन ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंडियन बैडमिंटन प्लेयर मतलब पहला अब गलती मत करना मेडन लिखा है यहां पर मेडन लिखा है तो क्लियर हो जाना चाहिए किसका था ठीक है गलत आंसर मत देना इसका 91 का गलत आंसर नहीं आना चाहिए मुझे ठीक है अब देखो सिर्फ 10 क्वेश्चंस रहते हैं 10 के 10 क्वेश्चन सही आने चाहिए एक भी गलती नहीं होनी चाहिए एंड आई एम अमेज्ड दैट एवरी वन गिवन द राइट आंसर लक्ष्य सेन इज द राइट आंसर वेरी गुड 92

हैदराबाद इज द राइट आंसर वेरी गुड क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री फर्स्ट इंडियन टू ग्रैब वर्ल्ड नंबर वन रैंक इन अंडर नाइनटीन गर्ल्स सिंगल्स कैटेगरी एट बी डब्ल्यू एफ जूनियर रैंकिंगस क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री का भी सही जवाब देंगे अब ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री द राइट आंसर तो सभी का डी आ रहा है दैट इज द राइट आंसर तनसीन तनसीम मीर इज दी राइट आंसर वेरी गुड एक भी गलत जवाब नहीं था वेरी गुड 94 फोर सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट हैज बीन हेल्ड है बा, बनारसी दास आ, इंडो स्टेडियम लखनऊ सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट इज रिलेटेड टू ऑप्शन क्या है क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन बिंट हॉकी या टेनिस तो सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट किससे रिलेटेड है इसका भी ये तो आई एम एक्सपेक्टिंग की सही जवाब दे ही देंगे सारे इसमें तो गलती का कोई चांस ही नहीं है जाननी ने गलत जवाब दिया है जानी रिमेंबर बैडमिंटन इज द राइट आंसर ठीक है बैडमिंटन इसके विनर के नाम याद रखो अपने आप आपको याद रहेगा कि कौन से स्पोर्ट्स की बात हो रही है यहां पे ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 95 नरेंद्र कुमार गोंका हैज टेकन चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ अपेरल एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल एपेक वर्क्स अंडर क्या ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स फाइनेंस टेक्सटाइल्स एक्सटर्नल अफेयर्स या एमएसएमई नाउ आई नो इनमें से दो ही ऑप्शन के अंदर आपको कंफ्यूजन होने वाली है ठीक है कोई बात नहीं लड़ो झगड़ो गलतियां करो यहीं पर बार बार गलत आंसर मिलेगा अपने आप एग्जाम के अंदर याद रहेगा कि ए आ, एपेक जो है पेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ठीक है ये ए पी सी है इसका जो सही जवाब है वो है टेक्सटाइल्स ठीक है टेक्सटाइल्स है कॉमर्स नहीं है टेक्सटाइल्स को याद रखो चलो नाइनटी सिक्स क्वेश्चन पर आ गए हम ठीक है सिर्फ पांच क्वेश्चन टू फाइव जी इक्विपमेंट फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट तो फाइव जी ट्रस्टेड सोर्स फाइव जी इक्विपमेंट फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स क्या आंसर है द राइट आंसर इज रिलायंस जियो चलो इसमें गलत आंसर आए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है पहला क्वेश्चन गलत रहा है लास्ट के फाइव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन गलत है लास्ट के टेन क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट नाइनटी सेवन महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी आज सेलिब्रेटेड ट्वेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी कहां पर लोकेटेड है ये यूनिवर्सिटी सो ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन वॉट इज द राइट आंसर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन गाइज कहां पर लोकेटेड है स्टिल नो आंसर फ्रॉम यू नाइनटी सेवन का सी आ रहा है राइट आंसर इज वाराष्ट्राष्ट्र इज द राइट आंसर सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर नो प्रॉब्लम थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है इट्स ऑल राइट वो विंग टू क्वेश्चन नंबर नाइंटी एट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एन सी एस सी एस आई आर एनपीएल इज सेलिब्रेटिंग इट सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी

नाइनी तो नाइन का जो आंसर आ रहा है गाइस प्लीज मार्क क्वेश्चन नंबर एंड योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ओके सॉरी आई थिंक द राइट आंसर इज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकेडमी ठीक है यहां पे ये गलत लिखा है आई विल करेक्ट दिस इन दी पी डी एफ द राइट आंसर इज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकेडमी ठीक है आई होप

ठीक है जी तो वेरी गुड आज के सेशन में हंड्रेड क्वेश्चन हमारे हुए एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और uh, क्या आपका फीडबैक uh, है रिगार्डिंग द सेशन रिगार्डिंग द क्वेश्चन रिगार्डिंग योर आंसर्स क्या तैयारी है आर यू कॉन्फिडेंट आर यू फीलिंग गुड ठीक है लेट मी नो इन चैट बॉक्स तो ज्योति के 68 एट करेक्ट आंसर्स फ्रॉम हंड्रेड दैट इज़ अ गुड नंबर एंड आई एम होपिंग कि इतनी रिविजन के बाद ये नंबर एग्जाम में बहुत बढ़िया हो जाएगा ठीक है तो विनी विनीतिया का एटी जोश इज हाई दैट इज आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एग्जाम एग्जाम के अंदर आप कैसे खुद को लेके जा रहे हो किस माइंडसेट से जा रहे हो वो ज्यादा जरूरी है ओ यस आई वाज अबाउट टू अनाउंस समथिंग तो हमारे जो रिविजन सेशन होंगे दे विल बी लाइव ऑन सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे ठीक है तो लास्ट सैटरडे को एक मतलब हमारा सेशन आना था बट फॉलोइंग ऑन तो जो भी सेकंड एंड फोर्थ सैटरडेज होंगे हमारा उन डेज पर रिविजन सेशन होंगे एंड अगर किसी भी किसी मंथ में फिफ्थ सेशन आता है अगर किसी मंथ में फिफ्थ सैटरडे आता है तो उस दिन भी एक रिविजन सेशन लिया जाएगा ठीक है जी uh, कल नाइट के रिपीट थे सर मैक्स हाँ तो क्योंकि मंथ्स ओवरलैप कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस होंगे रिपीट बट अगेन वर स्पेसिफिकली फॉर सेबी एंड ये जनरल है तो इसके अंदर और भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड थे ठीक है बट Yes, of course, overlapping तो होता ही है, उसमें कुछ भी uh, there is nothing surprising, okay? चलो अच्छी बात है तो क्लरिफाई हो गया है कि मतलब अगर रिविजन होती है रिवाइज करते हो तो अगेन आपके लिए वो हेल्पफुल है आई थिंक अगर कल गलतियां हुई थी तो आज वो गलतियां रिपीट नहीं होंगी राइट सो दैट इज अ गुड थिंग एज वेल एग्जाम के अंदर भी यही चीज आपको रिफ्लेक्ट करेगी जब आपको वो क्वेश्चन दिखेगा You will be knowing कि पहले गलत कर चुके हैं अब सही करके आना है एकता काट हेलो एट एडियो एप डॉट को डॉट इन ठीक है यहाँ पे ई मेल आई डी मेन्शन है यहां पर आप इ मेल लिखिएट बैक टू यू ठीक है तो एनी अदर क्वेरी अगर सेशन पसंद आया तो गाइज लाइक करके जाना है ठीक है शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर करो सेशंस को प्लीज हेल्प देम एज वेल सर कल नाइट की पीडीएफ नहीं आई और दीडीएफ उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ वहां पे पीडीएफ मेंशनड है अगर आपको नहीं मिलता है आई एम वैसे तो मैंने खुद देखा है वहां पर लिंक मेंशनड है कमेंट सेक्शन में जाओ वहां पर मैंने किसी के लिए अभी प्रोवाइड मतलब किसी को रिप्लाई में वहां पर लिंक डाला है तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ येस्टर सेबी मैराथन सेशन तो अगर आपको नहीं पता है बाय द वे हमारा सेबी का मैराथन सेशन चल रहे हैं ठीक है थीके? रात को आठ बजे आज भी है कल भी होगा तो कल वाले सेशन में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे यूनियन uh, बजट के बारे में एंड इकोनॉमिक सर्वे के बारे में क्वेश्चन आज हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ऑफ जनरल अवेयरनेस वो पूछे जाएंगे फॉर सेबी से रिवीजन का स्केड्यूल मैंने भी बताया हमारा एवरी सैटरडे जो सेशन होता था रिवीजन का टॉप हंड्रेड एमसीक्यूज का दैट विल नाउ बी ऑन ऑल्टरनेट सैटरडेज सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को वी विल बी टेकिंग रिविजन सेशन राइट तो टेलीग्राम में नहीं था सर्कल तो टेलीग्राम में है वैसे तो बट इतने सारे होते हैं कि मे बी कुछ मिस हो गया हो राइट सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गो टू दैट वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन दिस्क्रि बॉक्स में जाओ उस पर लिंक पे क्लिक करो डायरेक्टली आप उस पीडीएफ पर ही लैंड करोगे राइट right? जो वो पीडीएफ है वो डायरेक्टली उस लिंक से आप वहीं पर पहुंच जाओगे आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी पीडीएफ ठीक है रोहन ठीक है विनीत तो आई होप आपकी क्वेरीज क्लियर हैं ऑल द बेस्ट कीप प्रिपेयरिंग वेल थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर एनी क्वेरीज अगर कोई क्वेरी रह गई आई एम रियली सॉरी बट यू कैन सेंड एस एन ई मेल एट हेलो टी डी डॉ डॉट को डॉट इन या नीचे कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में आई विल रिवर्ट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल राइट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन माई नेम इज धवंशु गुप्ता साइनिंग ऑफ बाय बाय